महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं आदरणीय सभापति जी का धन्यवाद देती हूँ, जहाँ राष्ट्र की विविधता और अधिक उज्जवल होने की बात कही गई है, वहीं देश की एकता मजबूत और अटल होने की भी बात करी गई है। हम सभी सांसदगण इस बात को मानते हैं, इस बात से सहमत हैं। लेकिन लगभग एक दशक से जिस विश्वास के साथ देशवासियों ने दो बार एक स्थिर सरकार चुनी है, जहां आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कही गई है, जहां स्मार्ट सिटी की बात कही गई है, जहां काला धन वापस लाने की बात कही गई है, वहीं आज हमारे समक्ष हिडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई है, जहां मैं समझती हूं कि सरकार प्रतिबद्ध है देश के प्रति कि उसे जवाब देना पड़ेगा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या सच्चाई है, जहां हमारे किसानों ने 2014 में ये आस जागी थी हमारे किसानों की कि ये आप लोगों ने विश्वास दिलाया था कि उनकी आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, वह किसान आज भी ये आस लगाकर बैठा है कि उसे सब्सिडी में बढ़ोतरी मिलेगी, कि एमएसपी के सही रेट्स मिलेंगे, पैदावार के लिए मंडियां की व्यवस्था उनको दी जाएगी। एक समय ऐसा था जब किसान विश्वास के साथ आपकी तरफ देखता था, वही किसान आज निराशाजनक आंखों से आपकी तरफ देख रहा है। जहां युवा शक्ति की बात हुई, युवाओं में भी बहुत जोश उत्साह था 2014 में कि लगभग 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी प्रति माह, लेकिन आज उस जोश और उत्साह का पतन होते जा रहा है। आज जहां अग्निवीर जैसी योजना लेके आई है सरकार, तो उनका आत्मविश्वास तोड़ने का काम किया है सरकार ने। यह कैसा अमृतकाल है जहां युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, जहां किसानों के पास खुशहाली नहीं है और जहां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि लगातार यौन उत्पीड़न और शोषण के मामले बढ़ रहे हैं, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में लगातार ये मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जहां महिलाएं, जो हमारी माताएं बहनें जो रसोई में काम करती है, वो लगातार महंगाई से लड़ रही हैं, जहां हमारे सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, जहां पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जहां खाद्य पदार्थ के भाव भी बढ़ रहे हैं, दालों के भाव बढ़ रहे हैं, वहीं दूध के भाव भी बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत के अंतर्गत कार्ड तो बने हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और जैसा कि दानिश सर ने कहा कि डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, और यूपी में गोरखपुर और रायबरेली में जहां एम्स हैं, वहां पे भी सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत सरकार कई करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जहां प्रचार में, वही उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगा है। छोटे उद्योग की हालत हम सभी जानते हैं कि वह बंदी के कगार पर है, वहीं सरकार लगातार आयात को बढ़ावा देकर अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को, अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जीएसटी के नाम पर जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों पे ईडी, सीबीआई और पॉलिटिशियंस पे भी छापे मारे जा रहे हैं, वहीं जीएसटी के नाम पे छोटे व्यापारियों को भी तंग किया जा रहा है, वहां पे भी लगातार छापेमारी की जा रही है। इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के नाम पर जहां पे लगातार एमओयू साइन हुए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के एमओयू साइन हो रहे हैं स्पीकर सर, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट धरातल पे नहीं उतर रहा है, जो सरकार यह दर्शा रही है कि हम स्वर्ण काल में जा रहे हैं, जो सरकार यह दर्शा रही है कि देश आगे बढ़ रहा है। तो मेरा मानना है जहां रोजगार नहीं है, और हम कभी गरीबी नहीं हटा सकते जब तक हम लोग रोजगार अपने युवाओं को नहीं दे पाएंगे। महाराष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि सबका विकास और सबका साथ की बात भी करी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों में सबसे ज्यादा भेदभाव भाजपा की सरकार में हुआ है।
यदि कुलपतियों और प्रोफेसरों की नियुक्ति को देखा जाएगा तो सभी वर्गों को सम्मान नहीं मिला है। जहां राष्ट्रपति जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की भी बात करी है, लेकिन जाति गत जनगणना की बात नहीं हुई है। अगर हमें सही मायनों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग लोगों को सम्मान देना है, उनको हक और सम्मान देना है, तो हमें जातिगत जनगणना पर भी बात करनी चाहिए। इसी के साथ जहां कहा गया था कि नमामि गंगे, जहां गंगा की सफाई की बात करी गई थी, गंगा में क्रूज चलाने की कभी बात नहीं करी गई थी, जहां गंगा की सफाई की बात करी गई थी, आज भी गंगा का पानी शुद्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि जब काली नदी और यमुना का गंदा पानी गंगा में जाएगा, जब तक ये नदियां शुद्ध नहीं होंगी तब तक गंगा का पानी भी साफ नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना है कि सरकार संवेदनशील नहीं है इन मामलों को लेके, और जहां सरकार कोविड की बात करती है, अपनी पीठ थपथपाती है लगातार, वहीं पे हम सभी जानते हैं कि कोविड में क्या स्थिति हुई थी भारत की, जहां सरकार ने एक तरफ कलकत्ता के चुनाव कराए थे, वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखा गया था कि सरकार परिजनों को जलाने के लिए लकड़ी तक उपलब्ध नहीं करा पाई थी। तो मेरा मानना है कि जो आप स्वर्ण भारत की बात कर रहे हैं और आने वाले 25 सालों की बात कर रहे हैं, आप बीते हुए एक दशक की बात नहीं कर रहे हैं, जहां आप लगभग 10 साल का आप अपना टेन्योर, अपना काल खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन आप जो आगे की बात कर रहे हैं और 2014 की पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दशक की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी और आदरणीय स्पीकर सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री निशिकांत दुबे जी।